हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 जून के करंट अफेयर। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस बीमारी को रोकने के लिए चिकन की कोशिकाओं में जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है? या किया गया है बर्ड फ्लू को रोकने के लिए। बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग है और इसके और भी नाम क्या है? बर्ड फ्लू हो गया, पक्षी इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर एवी हो गया। सामान्य रूप से इसको हम लोग क्या कहते हैं, H5N1 वायरस के कारण होता है बर्ड फ्लू। अच्छा, ये जो जीन में चेंजिंग की जाती है या किस तकनीक के द्वारा की जाती है? तो CRISPR/Cas9 तकनीक के द्वारा जीन में चेंजिंग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि वैज्ञानिकों को DNA काटने और जोड़ने की अनुमति देता है कौन? CRISPR/Cas9, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्रिस्पर क्या है, DNA का एक हिस्सा है, और कैश क्या है, एक एंजाइम है, याद रखिएगा। इसके अलावा जीन परिवर्तन की अगर बात आई है तो मैं आपको बता दूं, अभी चाइना ने भ्रूण के जीन में परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जिस महिला के बच्चे के भ्रूण में इन्हें परिवर्तन किया, वो अगस्त में डिलीवरी उसकी है, तो देखा जाता है। अभी इसका औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन अभी इस पर रोक है कि भ्रूण के जीन में परिवर्तन किया जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई? तो यह किया गया है केरल में। केरल में देखिए, इसके पहले भी निपाह वायरस की पहचान की गई थी, जिसके कारण इसका एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया था, ठीक है। इसमें 23 वर्षीय एक छात्र है जिसके रिपोर्ट में पाया गया कि उसको क्या है, निपाह वायरस ने, वह निपाह वायरस से ग्रसित है, ठीक है। कहाँ पे पता चला इसका? तो पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में पता चला है, और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के सलजा ने इसकी पुष्टि किया है कि हाँ, वाकई इस प्रकार का कोई बात है। पहली बार भारत में टेरपस गिंगेटस चमगादड़ में निपाह वायरस को देखा गया था, और WHO ने निपाह वायरस को इंसेफ्लाइटिस घोषित कर दिया है, मतलब दिमागी बुखार। अगर कोई भी व्यक्ति निपाह वायरस से ग्रसित होता है तो 48 आवर में वह कोमा में जा सकता है। WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है हमारा, इटली के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो माउंट एटना में हुआ है विस्फोट, जो कि इटली का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो हमारी अभी 800 kg की गीता छपी थी, विश्व की सबसे बड़ी गीता और भारी गीता, तो इसका भी छपाई कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मैक्सिको का विदेशी नागरिक दिए जाने वाला सम्मान का उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया? जो विदेशी नागरिकों को उच्चतम नागरिक सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया है? तो प्रतिभा पाटिल को दिया गया है। इनको ऑर्डर ऑफ द एडजक ईगल का पुरस्कार दिया गया है। जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज किसकी है? प्रतिभा पाटिल की। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस वेबसाइट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के शीर्ष 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं? यह किया है eldorado.com ने। उसने संरक्षण किया और बताया कि विश्व के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 भारत के हैं। अगला हमारा कि किस देश ने हाल ही में पहली बार वेल बींग बजट पेश किया? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि वेल बींग बजट क्या होता है। इसमें जो आर्थिक विकास दर को प्राथमिकता ना दे करके लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है वेल बींग बजट में, ठीक है। और 30 मई 2019 को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने वेल बींग बजट लाया। वहाँ के वित्त मंत्री हैं ग्रांट रॉबर्टसन, इन्होंने लाया न्यूजीलैंड में पहली बार वेल बींग बजट, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नीलगिरी पर्वत पर कितनी परसेंट रॉक पेंटिंग मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रहे हैं? तो 40%। वहाँ के आदिवासी समूह द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती है जो कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा
ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।